देख सकते हैं मोटरोला सी प्लस, ये लुक्स में काफ़ी अच्छा। देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग, ऊपर में फ्लैश के साथ फ्रंट कैमरा, और एजेस काफ़ी स्मूथ शाइनिंग। पीछे एक बटन दिए गए हैं इसके, बैक होम पेज और टैब वाला। और बैक साइड की बात करें तो ये रहा बैक साइड, ये दो डुअल कैमरा, पीछे मोटरोला का लोगो, और नीचे काफ़ी ही अच्छा स्पीकर, काफ़ी अच्छे न्यूज के साथ सेट दिया गया है इसको। ये डाउन साइड दिया गया है, और इस साइड की बात करें तो ये वॉल्यूम अप डाउन पावर बटन काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है इसको। आप देख सकते हैं थोड़ी ग्रिप बनाई गई है पावर बटन में, ताकि आपको होल्ड करने में दिक्कत ना हो इसे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, देख सकते हो ऊपर में का भी स्लॉट और नीचे स्पीकर। साइड में दूसरे साइड देखें तो ये रहा आपका कैमरा जो फ्लैश के साथ है, फ्रंट फ्लैश भी है इसमें, और शाइनिंग कर्व्स देखा मेटल पे आपका, मतलब हालांकि मेटल है नहीं पर साइड में मेटल शाइनिंग है। तो इस फोन की अगर बात करें तो मोटो पे मोटो सी प्लस है ये, और इसमें 2 GB रैम, 16 GB का रोम है, एक्सपेंडेबल 32 हो सकता है, 5 इंच का डिस्प्ले है ये, 8 मेगापिक्सल कैमरा है इसका, 2 फ्रंट फेसिंग कैमरा है, 2 की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मोटरोला की, और फ्लैश भी है इसके साथ। और बैटरी की बात करें तो 4000 mAh बैटरी का है, और मीडिया टेक का प्रोसेसर मिलेगा आपको इसमें, स्नैपड्रैगन का नहीं। और आप देख सकते हैं प्रोसेसर जो आप बताया, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एंड्रॉयड लेटेस्ट मिलेगा 9 8 7 के साथ, प्रोसेसर क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऑक्टा कोर लेना चाहते हैं तो इसमें आपको नहीं मिलेगा। और क्लॉक स्पीड 1.3 स्पीड, ये आपका प्रोसेसर स्पीड है, तो 1.3 आप ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छा है, ये फ़ोन लैग नहीं होगा और ना ही हैंग करेगा। और प्राइमरी कैमरा की बात की, ऑटो फोकस के साथ ही कैमरा मिलता है, कैमरा में कोई इसमें 8 मेगापिक्सल में बाकी मोबाइल के से आप कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा होगा। सेकेंडरी इसका आप देख सकते हैं, फ्रंट फ्लैश की बात की मैंने, और आप देख सकते हैं स्टोरेज में इसका इंटरनल यहाँ पे 16 GB का है, रैम 2 GB बताया, 32 एक्सपेंडेबल, बैटरी काफ़ी 4000 mAh, तो काफ़ी ज़्यादा बैटरी है इसकी, लाइफ काफ़ी अच्छी, मतलब आप 2 दिन इसको आराम से चला सकते हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। तो फिर से हम कहें तो ये काफ़ी अच्छा, आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिंक से नीचे दिया गया है ले सकते हैं डायरेक्टली, या तो आप फ्लिपकार्ट के साइट पर जा सकते हैं। तकरीबन ये 7000 का फ़ोन है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी मोबाइल्स के रिव्यू बताता रहूँ। तो ये रहा फिलहाल के लिए मोटो सी, धन्यवाद।